हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी बाइक या स्कूटी के मीटर की रीडिंग कैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे उसको रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप मीटर देख सकते हैं, ये एनालॉग मीटर है जिसमें कांटे लगे रहते हैं, वो एनालॉग मीटर कहलाता है। ये डिजिटल मीटर नहीं है। और ये हीरो प्लेजर का मीटर है, आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं, 66,000 किलोमीटर ये चला हुआ है अभी। मीटर दोस्तों सिर्फ स्कूटी से निकाला हुआ है। यहाँ पर स्पीड मीटर की केबल लगती है और यहाँ पर जो हमारी वायरिंग अटैचमेंट रहते हैं लाइट वगैरह मीटर में जलने की, वो रहते हैं। बाकी मीटर बिल्कुल पहले जैसा है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए पड़ेगा और मीटर की जो केसिंग है उसको हमें ओपन करना पड़ेगा, उसमें लॉक लगे रहते हैं। तो इसको ओपन करेंगे सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला केसिंग रहता है वो कवर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके दोस्तों ये जो कांटे के बाजू में जो स्क्रू लगे रहते हैं छोटे छोटे से, उनको हमें ओपन करना पड़ेगा। उनको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें कांटे निकालने पड़ेंगे। जो निडल रहती है स्पीड मीटर की, उसको आप हल्के से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो निकल आएंगे। और ये वाले स्क्रू हमें दो खोल के लेना पड़ेगा, दो इस तरफ के, तो चार टोटल रहते हैं। तो अलग अलग बाइक स्कूटी में अलग अलग स्क्रू रहते हैं, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके खोल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चारों स्क्रू को निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और दोस्तों ये एनालॉग मीटर है जिसको मैं आपको एडजस्ट करके या फिर उसकी जो रीडिंग है उसको सेट करके बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बाइक का किलोमीटर सेट कर सकते हैं। कई लोग दोस्तों अपनी बाइक बेचते हैं तो उसका मीटर पीछे कर देते हैं, और कई लोग परचेस करते हैं सेकेंड हैंड बाइक, तो उसमें उनको लगता है कि बाइक की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मीटर है वो उतना रनिंग नहीं है। तो वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको डिजिटल मीटर की भी स्टार्टिंग या फिर रीसेट सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ये डायल लगा हुआ है जहां पर अलग अलग नंबर रहते हैं जो कि किलोमीटर बताते हैं। मीटर दोस्तों कैसे घूमता है, जो डायल रहता है वो नीचे की तरफ आता है, अक्षर जो रहते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, तो हमें नीचे की तरफ ही उसको घुमाना पड़ेगा। तो इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे, ये देखिए, तो इस तरह से 6 की जगह 5 आ गया, 4 आ गया। तो मतलब इस तरह से हम उसके किलोमीटर को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो जो जहाँ पर इसकी गरारी रहती है, जो इसके दांते रहते हैं, वो घिस जाएंगे और टूट जाएगा मीटर। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, नीचे की तरफ घुमाना है, जिस डायरेक्शन में हमारे जो मीटर के नंबर्स रहते हैं वो जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों, अभी 66,000 चली हुई थी स्कूटी और अभी 16,000 चली हुई है। इस तरह से दोस्तों आप इसके किसी भी रोटर को घुमा सकते हैं और मीटर की रीडिंग जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजिटल मीटर को कैसे कर सकते हैं रीसेट और कैसे उसके किलोमीटर कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहता हूँ। अब इसको पहले जैसा करेंगे तो उसके लिए दोस्तों इसका जो किलोमीटर का बार रहता है उसको हम लगा देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों अभी 66,000 चली हुई थी और अभी 16,000 चली हुई है। तो कई लोग दोस्तों इस तरह से उसको रीसेट करते हैं बेचने के पहले। और आप भी अगर आप कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका किलोमीटर चला है या नहीं है। नहीं तो आप दोस्तों उसको अच्छी तरह से मैकेनिक से चेक करवा के परचेस करें। और बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरह से आप इसको पूरा ओपन करके उसको रीसेट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमने चारों ही जो स्क्रू है उनको टाइट कर लिया है, इसका जो डायल है वो लग गया है। उसके बाद दोस्तों हमें कांटे लगाना होता है, तो इसको हम क्लीन करेंगे सबसे पहले। और कांटों को दोस्तों कैसे लगाना है वो भी आप देख लें। सबसे पहले दोस्तों हमें हल्के हाथ से जो स्पीड मीटर का कांटा रहता है उसको जीरो पे रखना है, ये देखिए नीचे की तरफ, और इसको दबा देना है। और दोस्तों हमारा सेकंड जो कांटा रहता है वो हमारा निडल पेट्रोल मीटर की रहती है, फ्यूल मीटर की, इसमें यहाँ पर एक लॉक भी रहता है, तो उसको दबा के हम रखेंगे और साइड में कर देंगे तो लॉक हो जाता है। बाकी दोस्तों इस केसिंग को दबा देंगे तो ये केसिंग लॉक हो जाएगी और मीटर को हम अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से निकाला हुआ था उसी तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी बाइक स्कूटी का मीटर निकाल के अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी आप दोस्तों रीडिंग देख लें, 66,000 से 16,000 चली हुई है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।